अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मौसम विज्ञान प्रेक्षणों, मौसम के पूर्वानुमान में सहायता और आपदा चेतावनी क्षमताओं में सुधार करने के अपने मिशन पर एक और उपलब्धि हासिल करते हुए तीसरी पीढ़ी के मौसम अवलोकन उपग्रह इनसेट 3DS को लॉन्च किया। 27.5 घंटे की उल्टी गिनती के बाद लगभग 62 मीटर लंबे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV-F14 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इनसेट 3DS के साथ उड़ान भरी। लगभग 20 मिनट की उड़ान के बाद 2274 किलोग्राम वजनी इनसेट 3DS को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, इसरो के पास अभी ऐसे कई और मिशन हैं जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को दुनिया की सबसे सफलतम एजेंसी बना देने की ताकत रखते हैं, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आया है कि अंतरिक्ष में तैनात हो गया भारत का सबसे एडवांस खबरी इनसेट 3DS सैटेलाइट। बात मौसम की, लेकिन असलियत उड़ा दिया पाकिस्तान के होश दोस्तों। अब आखिर इसरो ने स्पेस की दुनिया में रचा इतिहास। मिलेगा मौसम की सटीक जानकारी दोस्तों, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा ही था कि इसरो ने 5-6 महीने पहले चांद पर बवंडर मचाया था और उसके बाद सूरज पर भी पहरेदार लगा डाला, वह भी जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ। अमेरिका छोड़िए, पूरा यूरोप और हमारा सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका भी आंखें फार फार कर देख रहा है। और अब हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा तूफान मचाने की ठानी है कि चीन भी बाप बाप करने लगा, क्योंकि दोस्तों भारत एक ही तीर से कई निशाने साध रहा है। लेकिन क्या यह वास्तव में एक मौसम सैटेलाइट ही है या फिर गणित कुछ और ही है? क्योंकि दोस्तों, इसरो ने सूरज पर जो मिशन भेजा था उसके साथ भी ऐसा ही गेम किया था। और अभी 1 जनवरी 2024 को जो सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसके साथ ही दोस्तों इसरो ने बहुत बड़ा गेम कर दिया है, जिसका पता अब दुनिया को लगा है। तो नासा भी इसरो की तकनीक से हैरान हो उठा। सबकी नजर तो सूरज के मिशन पर टिका हुआ था, लेकिन उसी दौरान इसरो ने किसी वेपन पर काम किया है जिसके खुलासे से आप पूरी दुनिया हिल चुका है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए पूरा कहानी को उसकी तह तक जाने के लिए। पहले आपको इसरो के नए वाले तूफान यानी कि इनसैट 3DS नाम की सैटेलाइट का असली राज बताने वाला हूं, और उसके बाद आपको बताऊंगा इसरो के उस सीक्रेट वेपन के बारे में जिसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया और इसके बाद पूरा दुनिया इसरो का दीवाना हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब तो देंगे ही, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों आने वाला वक्त स्पेस सेक्टर का होगा। स्पेस में ही बार होंगे, स्पेस में ही दुनिया के देशों के बीच जंग लड़ी जाएगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत स्पेस की इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता दोस्तों। ऐसा ही दमदार जानकारी जानने से पहले, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, ये है इसरो का, या ये कहे भारत का अब तक का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट। नाम है इनसैट 3DS। केवल सैटेलाइट नहीं है, असली खबरी लाल है जो अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर भारत को वह सब कुछ बताने वाला है, क्लियर क्लियर बताने वाला है जो भारत को नुकसान पहुंचा सकता था। इसे श्रीहरिकोटा से भारत की सबसे भारी भरकम रॉकेट GSLV-FC14 से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, इसको लेकर के टीम इसरो ने कहा है कि किसी भी तरह की मौसम की सटीक इंफॉर्मेशन और उसका पूर्वानुमान दे सकेगा। लेकिन क्या यह बात बस इतनी सी है या कुछ और भी गणित के पीछे छुपा हुआ है, पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूं इनसैट 3 सीरीज के बारे में। दोस्तों ने अब तक 6 सैटेलाइट जिसके तहत लॉन्च किए हैं। ये 6 सैटेलाइट अलग अलग प्रकार की जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी यह धरती 36,000 किलोमीटर की हाइट पर तैनात होते हैं और वहां से सारी की सारी जानकारी भारत के यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों को पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में अब 7वां सैटेलाइट लॉन्च हुआ, लेकिन ये असल में सबका बाप है।
क्योंकि इसके अंदर ऐसी जबरदस्त तकनीक लगी है जो एक साथ कई सारे काम करने वाली है। तो दोस्तों, इनसैट 3 सैटेलाइट में 3A, 3T और 3D प्राइम सैटेलाइट के पास मौसम संबंधी आधुनिक यंत्र लगे होते हैं। और दोस्तों, अब तक की ये सारे के सारे सैटेलाइट्स भारत और हमारे आसपास के इलाकों में संचार तकनीक और मौसम संबंधी तकनीक को विकसित करने में मदद कर चुके हैं। इन सैटेलाइट्स को भूमध्य रेखीय के ठीक ऊपर तैनात किया जाता है, जिससे यह भारतीय इलाकों पर बारीक नजर रख पाते हैं। और इस बार तो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, उसका वजन 2275 किलोग्राम है। और इस सैटेलाइट में 6 चैनल इमेजर लगे हुए हैं। इसके अंदर 19 चैनल साउंडर मैच्योरोलॉजी पेलोड भी लगे हुए हैं। इन सैटेलाइट का संचालन इसरो के साथ साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD भी करता है, ताकि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के वक्त या उससे पहले ही जानकारी मुहैया करवाई जा सके। और दोस्तों, उसकी मदद से भारत की सेनाएं लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा देती है। भारत के इस सीरीज सैटेलाइट्स की मदद से ही अब तक हमारे पड़ोसी देशों की खूब मदद कर चुका है। और बड़ी बात है कि हमारे पड़ोस देश ज्यादातर मामलों में इसरो के सैटेलाइट्स पर ही डिपेंडेंट है। ये जमीन के साथ समंदर पर भी हर मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम इसरो को रूबरू करवाते हैं। और अब दोस्तों, जहां बात आती है इस चीन की अकड़ को कैसे ठीक किया जा सकेगा, और मालदीप जैसे चिंदी देश का इलाज भी इसके जरिए कैसे होगा। तो दोस्तों, बात यह है कि ये सैटेलाइट जितने मौसम का इंफॉर्मेशन देते हैं, ये उतनी ही जानकारी ये दुश्मन की हर गतिविधि भारत के पास पहुंचा देते हैं। मतलब हमारी नेवी से लेकर थल सेना के पास इनकी पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। हिमालय की चोटियों पर कुछ भी बदलाव होने वाला होता है, यानी मौसम संबंधी बदलाव होता है, या फिर वहां का दुश्मन का कोई भी मूवमेंट होता है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेना को पहले ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही कम्युनिकेशन के जरिए भी ये बड़ा फायदा भारत को देते हैं। साथ ही साथ इसके जरिए समुद्र के दुश्मन के जहाजों की सटीक इंफॉर्मेशन भारतीय सेना को लग जाती है। और अगर हमारा जहाज किसी भी परिस्थिति में फंस गया है, तो वहां से इसे कम्युनिकेट करने में बड़ी मदद मिलती है। अब दोस्तों, इसके जरिए भारत मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश से लेकर बाकी पड़ोसियों की मदद करता है। लेकिन हाल ही में जैसा आपने देखा है कि मालदीव ने चीन की गोद में खेलकर दादागिरी करना स्टार्ट कर दिया है, लिहाजा अब इसरो उसकी टाइम पर ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, लिहाजा उसकी हालत इसके जरिए खराब होने वाली है। मतलब दोस्तों, इस सैटेलाइट मौसम का हाल बताएगा उससे कहीं ज्यादा हमारे पड़ोसियों की खोज खबर भी लेता रहेगा। और दोस्तों, इसरो हर बार सबको नहीं बताता है। इस सैटेलाइट के मामले में कुछ ऐसा भी होने वाला है जैसा कि इसरो ने सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 के साथ किया है। तो दोस्तों, सब सोच रहे थे कि इसरो ने सूरज पर अपना यान भेजा है। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि इसरो ने असल में एक ऐसा हथियार भी टेस्ट कर डाला है जो भारत के दुश्मनों का असली काल साबित हो सकता है। तो यह मामला क्या है, वह मैं आपको बताता हूं। 132 दिनों तक ना अमेरिका को खबर लगी ना रूस को, पता इसरो आदित्य L1 के साथ भेजा था छुपा रुस्तम हथियार। दोस्तों, जैसा नासा दुनिया को पूरी सच्चाई का भी नहीं बताता, वैसे ही अब इसरो हर बार दुनिया को चौंकाने में लगा हुआ है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के बाद में आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा है। आदित्य L1 को पिछले साल 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 11 जनवरी 2024 को इसने L1 पॉइंट पर पहुंचकर जबरदस्त सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन दोस्त, इसी दौरान इसरो ने 132 दिनों तक दुनिया से एक राज छुपा कर रखा, और अब इस मिशन का इसरो ने राज खोल दिया है, लिहाजा दुनिया चौंक उठी है। इसरो ने आदित्य L1 पर ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र को नापने वाले मैग्नेटोमीटर बूम को एक्टिवेट कर दिया है। ये 6 मीटर लंबा मैग्नेटोमीटर बूम L1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में तैनात कर दिया गया है। इसे अब तक बंद करके रखा गया था। इस मैग्नेटोमीटर बूम के अंदर 2 स्टेट ऑफ द आर्ट अत्यधिक सटीक फ्लक्स किट मैग्नेटोमीटर सेंसर लगी है, जो अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच के चुंबकीय शक्ति और उसके क्षेत्र को डिटेक्ट कर लेगा, फिर वह चाहे फील्ड बिल्कुल ही कमजोर क्यों ना हो। दोस्तों, ये सेंसर स्पेसक्राफ्ट शरीर से 3 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर तैनात किया गया। इतनी दूरी इसलिए रखी गई है ताकि आदित्य के शरीर से निकलने वाले चुंबकीय शक्ति सेंसर पर अपना असर न डाल पाए,
दो सेंसर की जरूरत इसलिए भी थी ताकि मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। इस बूम के अंदर 5 सेगमेंट है जो इसे आसानी से मोड़ने और फैलने में मदद करते हैं। इन दोनों मैग्नेटोमीटर को सेट करने में 9 सेकंड इसरो को लगे हैं। फिलहाल दोस्तों ये सटीक तरीके से दोनों काम कर रहे हैं और दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन भारत के पास में पहुंचाने वाले हैं जो भारत को अब तकनीकी क्षेत्र में भी मिलो आगे कर देगी। दोस्तों इसरो ने इस मामले में कहा है कि बहुत जल्द ही इस डेटा का खुलासा भी किया जाएगा। वही दोस्तों इसरो और एक बड़ा खुलासा किया है और वह खुलासा किया है अपने पोयम मिशन को लेकर के। इसरो ने कहा है कि अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म पोयम 3 ने अपने सभी पेलोड्स टारगेट को कंप्लीट कर दिया है। पीएसएलवी ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी कि पोयम 3 को PSLV-C58 रॉकेट के जरिए PSO स्टेज 4 के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिससे इसरो ने इसी साल 1 जनवरी को एक्सपो सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसरो ने कहा है कि पोयम 3 ने 9 पेलोड्स के साथ उड़ान भरी थी और ऑर्बिट में 25 दिनों तक पोयम 3 ने धरती के 400 चक्कर लगा लिए हैं। अंतरिक्ष एजेंसी ने सभी पेलोड लक्ष्यों के सफलतापूर्वक समाप्त होने की पुष्टि भी की है। इसमें यह भी साफ किया गया कि अब एजेंसी अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने के बाद पोयम 3 के साथ भविष्य के मिशनों पर तेजी से काम करेगा। इनका डेटा तैयार करने के लिए ज्यादा परीक्षणों की योजना बनाई गई है और इसी प्लेटफॉर्म पर इसरो कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और बड़ी बात ये दोस्तों, स्पेस के अंदर इसके जरिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन का पूरी तरीके से परीक्षण किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि ये बहुत बड़ा हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे दुश्मन के सैटेलाइट को तबाह करने में काम लिया जा सकता है। भारत की इस शानदार सफलता को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय खाटू श्याम जी।